हेलो एवरीवन, कामायनी की हमारी यात्रा में हम स्वप्न सर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि श्रद्धा का मन बेहद बोझिल है। वो ये सोच रही है कि मनु मेरे साथ नहीं है, लेकिन यहाँ कवि ला करके एक मोड़ उनके जीवन में और खड़ा करते हैं और ये दिखलाते हैं जो पाठक हैं उनको कि श्रद्धा का पुत्र है और वो उसके साथ अपना समय अपनी कुटिया में व्यतीत कर रही है, उसके भरण पोषण में। और श्रद्धा बहुत खुश होती है उसे देख करके, उस पर थोड़ी नाराज होती है कि क्यों तू इतनी देर तक बाहर रहा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। और जो उनका पुत्र है वो ठिठोली करता है कि माँ, कितना मजा आता है कि मैं नाराज हूँ और तू मुझे मनाए। और आकर के उनसे लिपट जाता है और फिर कहता है कि मुझे तो बहुत नींद आ रही है। वो तो सोने चला जाता है, लेकिन श्रद्धा अपनी ऊहापोह में ही रहती है। इससे पहले के सर्ग में हमने देखा था कि मनु ईड़ा से मिल चुके हैं और अब वो दोनों उद्यत हुए हैं सारस्वत नगर को पुनः बसाने के लिए। अब देखिए, कहानी के मोड़ बहुत तरीके के हो सकते हैं, किंतु ये कवि की कल्पना है कि आपको ये बताने के लिए, पाठकों को ये बताने के लिए कि अब उनके जीवन में क्या हो रहा है, वो ये करते हैं कि वो श्रद्धा को एक स्वप्न दिखलाते हैं। श्रद्धा अब स्वप्न में देख रही है कि मनु और ईड़ा के जीवन में क्या हो रहा है। और इस स्वप्न में पहले तो वो उस नगर में पहुंचती है जो दोनों ने बसाया है। तो इस क्षण पर ये सर्ग जहाँ खड़ा है, वहाँ पहले तो ये बात आती है कि श्रद्धा बेहद विकल है और फिर ये बात आती है कि अंततः उन्हें भी निद्रा प्राप्त होती है और सोने के दौरान उन्हें स्वप्न दिखाई देता है। और इस स्वप्न के जरिए से अब आपको लेखक ये बताना चाहता है कि मनु और ईड़ा के जीवन में क्या हो रहा है। कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही, युग युग की वह विकल प्रताड़ित मिट्टी हुई बन लेख रही। और कामायनी बैठ करके, कामायनी श्रद्धा के लिए प्रयुक्त हुआ है ये शब्द, वो बैठ करके अपना सुख स्वप्न देख रही थी। और जैसे कि युगों की कहानी लिखी चली जाती है, उसके स्वप्न में भी वो कहानी, जैसे अभी जो सबसे बड़ा कहानीकार है, सबसे बड़ा नाटककार है, वो लिख रहा था। जो कुसुमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था, आज पपीहा की पुकार बन नभ में खिंचती रेख रही। यहाँ उन्होंने सुख और दुख दोनों का एक प्रकार का यहाँ आपको विवरण दिया है, और खुशबू और आवाज के जरिए से। जब सुख के दिन थे तो मेरे चारों ओर ऐसे जैसे फूलों की महक चल रही थी और मैं हवा में देख सकती थी कि हवा की हर लहर के साथ वो महक मुझ तक आ रही थी। लेकिन आज जब दुख के दिन है तो जब वो हवा का झोंका आता है, वो उस खुशबू को लेकर के नहीं आता, पपीहे के वो पुकार को लेकर के आता है, जो मेरे हृदय को और उद्वेलित कर देती है, मुझे ये जता देती है कि मैं अपने पिया से दूर हूँ। तो देखिए, उन्होंने सुगंध और ध्वनि, उसको दोनों को सामने खड़े करके आपके लिए रूपक खड़ा किया है कि सुख में आप सिर्फ खुशबू में, वातावरण में जीते हैं, और दुख में वही हवा जो खुशबू को आप तक लेकर के आती है, वो पपीहे की हृदय विदारक आवाज को, उसके ऐसे स्वर को आप तक लेकर के आ रही है, जिससे आप और परेशान हो जाते हैं। आपको और एहसास होता है कि जिनसे आप प्रेम करते हैं आप उनसे बहुत दूर हैं। अब देखिए, उनके स्वप्न में श्रद्धा को क्या दिख रहा है। ईड़ा अग्नि ज्वाला सी आगे जलती है उल्लास भरी। श्रद्धा देखती है कि मनु के जीवन में कोई और नारी है और वो एक जलती हुई ज्वाला से उनके जीवन को आगे लेकर के बढ़ रही है। मनु का पथ आलोकित करती विपत नदी में बनी तरी। और ऐसे जैसे मनु का पथ वो आलोकित करते हुए, पथ को प्रकाशित करते हुए, वो आगे एक नदी की तरह बढ़ी जा रही है। उन्नति का आरोहण महिमा शैल श्रृंग सी शांति नहीं। बस उन्नति दर उन्नति मनु जो है वो ईड़ा के साथ पाते चले जा रहे हैं। महिमा शैल श्रृंग सी, शैल श्रृंग पर्वत शिखाओं का जो शिखर होता है उसके लिए आता है श्रृंग। शैल श्रृंग सी उन लोगों की महिमा दूर दूर तक गाई जा रही है, मतलब उन्नति के उस स्तर तक वो लोग आरोहण कर चुके हैं कि अब सब जानते हैं कि मनु ने यह नगर बसाया है। शांति नहीं, तीव्र प्रेरणा की धारा सी बही उत्साह भरी। वहाँ उसे बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आया कि उनका जीवन अशांति में है या उनका जीवन थका हुआ है, जरा भी नहीं। वो तो तीव्र प्रेरणा की धारा है और वो उत्साह से बन करके आगे बढ़ रही है और मनु का मार्गदर्शन कर रही है। वह सुंदर आलोक किरण सी हृदय भेदनी दृष्टि लिए, वह इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि रोशनी की एक किरण है और जब वो आती है तो इस तरह से आती है कि आपके हृदय को भेद देती है। उसकी दृष्टि जो है आपके हृदय के आर पार उतर जाती है। जिधर देखती खुल जाते हैं तम ने जो पथ बंद किए, और वो जिस ओर देखती है मनु के लिए वो सारे दरवाजे खोल देती है जो अंधेरे ने तम ने उनके लिए बंद कर दिए थे। मनु की सतत सफलता की वह उदय विजयनी तारा थी। मनु जो दिन प्रतिदिन सफलता अर्जित करते चले जा रहे थे वह उसका उदय विजयनी तारा थी। वह उस विजय का सबसे बड़ा तारा, सबसे बड़ा प्रकाशमान जो बिंदु था वो स्वयं थी। आश्रय की भूखी जनता ने निश्रम के उपहार दिए, और जनता तो यह चाहती थी कि आज हमारा एक नेता हो, आज हमारा एक इस प्रकार का प्रबंध करने वाला व्यक्तित्व हमारे सामने आए जो प्रलय से उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश को पुनः बसा सके, वह जीवन यापन की जो स्रोत है उन्हें फिर से खड़ा कर सके, हमें फिर से हमारे जीवन में एक लक्ष्य दे सके। और मनु के लिए उन्होंने क्या उपहार दिया? अपने श्रम का। तो जनता भी उनके लिए मेहनत करने लगी और वो दोनों इस सारस्वत प्रदेश पर अपना राज्य जमाते हुए उसे पूरी तरह बसाने में व्यस्त थे। मनु का नगर बसा है, सुंदर सहयोगी है सभी बने। और मनु का नगर वहां बस गया, सुंदर सहयोगी हैं सभी बने। दृढ़ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने, और ऊंची ऊंची दीवारें नजर आ रही हैं, मंदिर के द्वार नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत भवन इस शहर में है। वर्षा धूप शिशिर में छाया के साधन संपन्न हुए। और देखिए, एक नगर जब बसता है तो बहुत सारी सुविधाओं का वहाँ ध्यान रखा जाता है। और कवि यहाँ यही बात कह रहा है कि ये बड़ा ही संपन्न नगर था। वहाँ ये भी देखा गया कि अगर धूप या वर्षा है तो फिर उससे कैसे बचा जाएगा, और वो साधन भी वहाँ उपलब्ध कराए गए। ऐसा नहीं था कि जनता अब भी प्रलय के बाद किसी जंगल में बिना आश्रय के जी रही थी। मनु ने वो नगर इस प्रकार से बसाया कि सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। खेतों में है कृषक चलाते हल, प्रमुदित श्रम स्वेद सरे। और कृषक जो है, फार्मर्स, वो खेतों में अपने हल चला रहे हैं और उनके माथे पर श्रम के बिंदु, श्रम स्वेद, श्रम बोलते हैं मेहनत को, स्वेद बोलते हैं पसीने को। उनका माथा किससे चमक रहा है? श्रम बिंदु से। और ये जो श्रम स्वेद है, ये तो हमारी संस्कृति में पुरुष सौंदर्य का एक द्योतक माना गया है। पुरुष सुंदर लगता है जब उसके माथे पर मेहनत से आए हुए पसीने की वो बूंदे होती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि खेतों में है कृषक चलाते हल, प्रमुदित श्रम स्वेद सने, श्रम के स्वेद से सने हुए वो फार्मर्स अपना हल चला रहे हैं। उधर धातु गलते हैं, बनते हैं आभूषण और अस्त्र नए। तो देखिए, कवि आपको बता रहा है कि एक संपूर्ण नगर बस गया है। उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी जगह पर है। द इकोनॉमी ऑफ द प्लेस, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेस, द हायरार्कीज, एवरीथिंग ही इज ब्रिंगिंग अबाउट, एंड ऑल्सो द आर्किटेक्चर ही स्पोक अबाउट, दैट everything that a population, a civilization needs to settle itself into a city, Manu had provided all that. Manu had made arrangements to see that the entire city was working towards its progress. So the next line says, "Udhar dhatu galte hain, bante hain aabhushan aur astra naye." Kahin dhatu gal karke, सोना गल करके आभूषण बनाए जा रहे हैं, कहीं वस्त्र बनाए जा रहे हैं और अस्त्र भी बन रहे हैं, शस्त्र अस्त्र भी बन रहे हैं। कहीं साहसी ले आते हैं मृगया के उपहार नए, और कुछ शिकारी भी हैं जो मृगया करके, शिकार खेल करके रोज कुछ नया शिकार लेकर के आते हैं। पुष्पलावियां चुनती हैं वन कुसुमों की अधविकच कली। पुष्प, ये बड़ा खूबसूरत सा शब्द है, पुष्पलावियां। जो औरतें पुष्पों को चुनती हैं वो जाकर के क्या चुन रही हैं? ना पुष्पों की छोटी छोटी कलियां। गंध चूर्ण था लोध्र कुसुमरज, जुटे नवीन प्रसाधन थे। और गंध में उनके लिए सिंदूर का जो प्रसाधन था वो कहाँ से उनको मिलता था? लोध्र कुसुमरज, जो कुसुम के पेड़ थे उनकी बात से, उनकी लीव्स से या पत्तों से उनको जो है वो एक चूर्ण मिल रहा था और उससे वो अपने सौंदर्य के प्रसाधन बना रही थी। तो देखिए, एक एक करके कवि ने आपको ये बताया कि किस प्रकार मनु ने संपूर्ण समाज को यहाँ खड़ा किया है। घन के आघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि रोष भरी, वहां ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे थे। रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूर्छना उधर ढली और कहीं कोई रमणी, कोई खूबसूरत स्त्री बहुत ही मधुर गान कर रही थी। ढोल नगाड़े बजते थे, there was music around and beautiful women were singing to this music। अपने वर्ग बनाकर श्रम का करते सभी उपाय। वहां मैंने एक शब्द प्रयोग किया, सोशल हायरार्की। मनु ने हमारे समाज को वर्णों में विभाजित किया था और उसी से सबको जो अपना अपना जीवन यापन था वो करने की प्रेरणा मिली। तो कवि कह रहे हैं कि सभी वर्ण अपना अपना काम कर रहे हैं और समाज सुचारू रूप से चल रहा है। उनकी मिलित प्रयत्न प्रथा से पुरकी थी श्री निखरी खरी। देखिए, वो दोनों मिल करके, दोनों नहीं, चारों वर्ण मिल करके अपना काम कर रहे थे और प्रयत्न प्रथा, उनके प्रयत्नों से एक प्रथा चली आ रही थी। और पुर जो शहर था उसकी श्री दिखती निखरी, उसकी श्री मतलब उसकी लक्ष्मी निखर करके बाहर आ रही थी। बड़ा ही सुख साधनों से संपन्न, लक्ष्मी से परिपूर्ण शहर मनु ने बसा दिया था। स्वप्न सर्ग पर हम अगले वीडियो में ये चर्चा को जारी रखेंगे। कामायनी की प्लेलिस्ट आप फॉलो करते रहिए। नमस्ते।